हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पेंटिंग करने वाले हैं ग्लास जार में, जिसमें हम फेविक्राइल के ग्लास कलर्स को यूज़ करेंगे। तो देखिए, इस तरीके का एक पैक आता है जो कि 6 शेड्स का होता है और ये वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं जो कि आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं, जिसकी MRP आ जाती है 75 रुपीज़, जिसमें 6 शेड्स होते हैं, जिसमें आपको कलर्स मिल जाते हैं टमाटो रेड, गोल्डन येल्लो, सी ब्लू, क्रिस्टल ग्रीन, ब्राउन एंड पिंक। तो आपको ये 6 शेड्स अवेलेबल होते हैं इस पैक में। साथ ही में इसमें मिलता है हमें एक 3D आउटलाइनर जो कि ब्लैक कलर का होता है। उसी तरीके से एक आ जाता है बड़ा पैक, जिसमें आ जाते हैं 10 शेड्स और ये भी वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं। इसमें MRP आ जाती है 110 रुपीज़, जिसमें देखिए हमें इस तरीके के कलर्स मिल जाते हैं टमाटो रेड, गोल्डन येल्लो, सी ब्लू, क्रिस्टल ग्रीन, ब्राउन, पिंक, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ऑरेंज। तो देखिए, जो वाइट कलर होता है ये वाइट नहीं होता है, ये होता है ट्रांसपेरेंट कलर, जो कि इन कलर्स को लाइट शेड बनाने के लिए होता है। तो ये प्रॉपर वाइट नहीं होता, जहां आपको प्रॉपर वाइट करना है वहां पे आपको एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कलर्स को लाइट शेड करने के लिए बनाने के लिए होता है। तो इस तरीके का पैक आप ले सकते हैं, आप चाहे तो लोकल मार्केट से ले सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके इसको बाय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए कुछ इस तरीके की जो बॉटल्स आती हैं वो तो इनके अंदर होती हैं। अब साथ ही में मिलते हैं 3D आउटलाइनर्स। एक तो देखिए इस तरीके की ट्यूब होती हैं जो इनके संग आपको अवेलेबल मिलती हैं। साथ ही में अलग से फेविक्राइल की कलरफुल 3D आउटलाइनर्स आती हैं, जिसमें देखिए हमें सिल्वर कलर, वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, गोल्डन और डार्क ग्रे कलर हमें इसमें अवेलेबल होते हैं। और इसमें मल्टी कलर्स आपको और भी मिल सकते हैं, ये ग्लिटर्स में हैं और इनमें नॉन ग्लिटर्स भी आते हैं। उसी तरीके से एक ये आ जाता है ग्लिटर का, जो एंटिक गोल्डन है, जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पेंटिंग में। तो इस तरीके की 3D आउटलाइनर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ एंटिक गोल्डन कलर, जो 3D आउटलाइनर मैंने आपको अभी दिखाई थी, जिसकी MRP आ रही थी 25 रुपीज़। तो आप ये लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, कई सारे सेट्स इसके अवेलेबल हैं। तो हम इसमें डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जैसे हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है, पहले हम इस तरीके से लाइन लेंगे, बाद में हम इस तरीके से लाइन लेंगे। तो जब ये ड्राई हो जाए एक तरफ की, तो उसके बाद ही आपको बैक साइड में बनाना है, जिससे अगर आप पहले ही चारों तरफ से अगर आप बनाएंगे तो ये आपने जो वर्क किया है वो ख़राब हो सकता है। तो जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप इसके बैक साइड में वर्क करिए। तो अभी जितना फ्रंट में है आप उतना वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये इतना कंप्लीट हो गया है। अब ये 2 ब्लॉक्स रह गए हैं। तो जैसे एक ब्लॉक्स में हमने कर लिया, तो हमें कम से कम 15 से 20 मिनट रुकना है और इसको आपको हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाएंगे या फिर अगर आप सोचेंगे कि मैं दूसरे ब्लॉक में कर दूं, तो आपका ये कलर बहने लगेगा। तो जब तक ये ड्राई ना हो जाए एक साइड का, तब तक आप दूसरे ब्लॉक में मत करिए। तो उसी तरीके से मैंने सब में अप्लाई करा है, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा इसमें रोका और उसके बाद फिर एक ब्लॉक में करा, फिर जब ये ड्राई हुआ फिर इस ब्लॉक में, फिर ड्राई हुआ फिर इस ब्लॉक में। तो इस तरीके से आपको ये वर्क करना है। अब ये लास्ट बचे हैं 2 ब्लॉक्स, तो इसमें भी मैं फिल कर देता हूँ।
अब इसको हम ड्राई होने के लिए रोक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये सब में हमने ग्लास कलर्स को तो कर लिया है, जो हमने 3D आउटलाइन का यूज़ किया था गोल्डन कलर, अब वो तो थोड़ा सा मिक्स हो चुकी है कलर में, तो उसके बाद हम एक बार और करेंगे, लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे 3D आउटलाइनर ग्लिटर का, जो ये देखिए इस तरीके की ग्लिटर आउटलाइनर आती है, ये भी गोल्ड कलर की है। तो एक बार हम फिर से करेंगे इसमें यूज़, जैसे हमने जहाँ जहाँ लाइनर का यूज़ किया है उसके ऊपर से हम फिर से इसको यूज़ करेंगे, और इसको भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। जब आपका फ्रंट का ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ही हम दूसरा करेंगे, इसको हम और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें मैंने बाहर से 3D गोल्डन लाइनर का भी यूज़ किया है, जिससे इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी और भी अच्छी दिखे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं, किसी भी जार में या फिर किसी बोतल में, तो कुछ इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।